Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. निश्चित रूप से COVID-19 कोरोना वायरस का प्रभाव जिस प्रकार से पूरे विश्व से चलता हुआ भारत में भी दिखाई देने लगा है और जिस गति से इसमें वृद्धि होने का काम हो रहा है, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है. किंतु सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके प्रभावों से बचाव करने के लिए जो भी हम आवश्यक कदम और प्राथमिक कदम उठा सकते हैं उन्हें ज़रूर अपनाना चाहिए. रेलवे में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, यात्रियों की संख्या में भी काफ़ी कमी आने का काम हुआ है. लोग यात्री टिकट कैंसिलेशन करा रहे हैं और रेलवे ने एहतियात के तौर पे बहुत सारे कदम उठाए हैं जिनके माध्यम से रेलों के सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, एसी में पर्दे हटाए जा रहे हैं, सफाई व्यवस्था को बहुत दुरुस्त किया जा रहा है ताकि इस वायरस का प्रभाव फैलने का काम ना हो. साथ ही साथ हम रेल प्रशासन से ये भी आग्रह करना चाहते हैं कि रेल एक ऐसी सेवा है जो सीधे सीधे हर प्रकार के यात्री से, चाहे वो देश के यात्री हों चाहे विदेश के यात्री हों, से जुड़ा हुआ ये संगठन है, उद्योग है. यहाँ रेल कर्मचारियों का सीधा जुड़ाव यात्रियों से होता है, इसलिए रेल कर्मचारियों को भी कोरोना वायरस के प्रभाव से बचाने के लिए रेल प्रशासन को आवश्यक कदम उठाने चाहिए. जिस प्रकार के कदम अभी तक उठाए गए हैं वो बहुत ही अपर्याप्त हैं. कर्मचारियों को मास्क मिलने चाहिए, कर्मचारियों को हैंड ग्लव्स मिलने चाहिए, कर्मचारियों को सैनिटाइजर मिलने चाहिए. रेलवे परिसर, रेलवे कॉलोनी, रेलवे ऑफिसेस, कार्यस्थल, यहाँ पर किसी भी प्रकार की भीड़ भाड़ ना हो, उस प्रकार की व्यवस्था, उस प्रकार के आदेश जारी होने चाहिए. बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जहाँ प्रशिक्षण चलते हैं, जैसे जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उदयपुर, उसके कोर्सेज को रद्द कर दिया गया है. हमने मंडल रेल प्रबंधक को पत्र लिखकर अजमेर मंडल में चलने वाले ट्रेनिंग सेंटर DETC, जहाँ इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग होती है, जहाँ दूसरा ATS, जहाँ ट्रैफिक स्टाफ की ट्रेनिंग होती है, उन्हें भी 31 मार्च तक रद्द करने की बात कही है. लेकिन तो जिस प्रकार तेज़ी के साथ वायरस फैल रहा है, उस प्रकार से तेज़ी के साथ रेल प्रशासन रेल कर्मचारियों को ये इसके उपाय, इसके बचाव के लिए जो उपकरण, जो साधन, जो सामग्री उपलब्ध कराने की बात है वो नहीं करा पा रहा है. तो मेरा ये निवेदन रहे रेल प्रशासन से कि इस प्रकार के जो मांग रेल कर्मचारी कर रहा है वो उन्हें उपलब्ध कराए, ताकि रेल कर्मचारी का भी बचाव हो, साथ ही साथ यात्रियों का भी बचाव हो और इसी प्रकार से हम इसके प्रभाव को रोकने में कामयाब होंगे. अजमेर शहर में कैरिज कारखाना, लोको कारखाना, इसमें भी सब कार्य करते हैं लोग. निश्चित रूप से लोको कारखाने में 1400 लोग, कैरिज कारखाना में 2300 लोग, इतने भारी संख्या में लोग वहाँ काम कर रहे हैं. और एडवाइजरी जो भारत सरकार द्वारा जारी हो रही है, राजस्थान सरकार द्वारा जारी हो रही है, उसमें ये लिखा गया है कि जहाँ 50 या इससे अधिक संख्या में लोग एकत्रित होते हैं उसे रोका जाना चाहिए, उसे बंद किया जाना चाहिए. किंतु इस व्यवस्थाओं को रेल प्रशासन अभी देख नहीं पा रहा है और अगर ये कोरोना वायरस तीसरे स्टेज में आ जाएगा तो फिर हम उसकी परिस्थितियों को संभाल पाने में बहुत कठिनाई महसूस करेंगे. इसलिए प्रशासन को ये करना चाहिए कि जहां भी 50 से अधिक कर्मचारी एक साथ काम कर रहे हैं वहां सभी प्रकार की रोक लगाने का, बंद करने का और सैनिटाइजेशन करने का काम किया जाना चाहिए. निश्चित रूप से देश में राजस्थान सरकार ने अजमेर में धारा 144 लगाने का काम किया.
किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे जेसी बैंक के चुनाव 26 मार्च को होने जा रहे थे, उन्हें भी हमने कोरोना वायरस की वजह से आग्रह करके स्थगित कराने का काम किया है। तो ये सब जब चीज़ें हो रही हैं, सरकार एडवाइजरी बार बार निकालने का काम कर रही है, किंतु जो लोकल प्रशासन है उन्हें उस एडवाइजरी के तहत काम करते हुए बिना फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम अपने आप को बताते हुए ये काम उन्हें तुरंत प्रभाव से करने चाहिए, जो अभी बहुत धीमी गति से हो रहे हैं, इसका हमें खेद है। अपन अरुण गुप्ता, मंडल सचिव, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। मैं अपनी फैमिली को यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप करने आया था, तो मैं विंडो पे गया, मैंने प्लेटफॉर्म टिकट मांगा, तो और दिनों के हिसाब से मैं सोचा 10 रुपये का होगा, तो मैं प्रतिदिन के हिसाब से उनसे विंडो पे टिकट लेने गया प्लेटफॉर्म, तो उन्होंने बताया कि रेलवे ने ये टिकट 10 से 50 रुपये कर दिया है। तो इस मारे में अपनी फैमिली को छोड़ने जा पाया, उन्हें गेट पर उन्हें ड्रॉप करके वापस अपने घर जा रहा हूँ। मेरा नाम प्रेम है, मैं अपने परिवार को छोड़ने आया था, तो प्लेटफॉर्म में टिकट 50 रुपये का, मैं खुद ही ताज्जुब में हो गया सर कि 50 रुपये में तो मतलब 10-20 रुपये और मिला कि जयपुर पहुंच जाऊं, लेकिन यहां पे तो 50 रुपये अंदर घुसने की है। पहले प्लेटफॉर्म टिकट कितने का? 10 रुपये का था पहले। आज आपने लिया कितने का मिला? 50 रुपये का। आपने पूछा नहीं? पूछा, लेकिन कुछ कोई संतुष्ट भरा जवाब नहीं मिला, बोले कि आगे से ऑर्डर है, ऐसा कुछ बोल करके दे दिया। अच्छा, ज़्यादा कोई किराया मिला तो कहाँ तक जा सकते थे आप? इसमें 10 रुपये और मिला के मैं जयपुर तक जा सकता था। आप कौन सी गाड़ी में छोड़ने आते अपने परिवार का? अभी ये 11 बजे आएगी अरावली। आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम किरण कुमार। नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नॉवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।